नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसका नाम लंदन नहीं जाऊंगा और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की पाकिस्तानी ड्रामा कॉमेडी फिल्म है। निर्देशित सिक्स विंग्स प्लस के विनर तले हमारे शहीद द्वारा निर्मित और खलील उदर रहमान कमल द्वारा लिखित 2017 की फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगा की स्मिथ और फिल्म सहेल अहमद कुबरा खान, हसीब रजा मीर और सबा कैसर के साथ मायूंग सदर और महबीर हदाय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से संघ की कहानी प्रति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी कमील के रूप में हमायूं सईद, महबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सहेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल, जमील की मां कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में हसीफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां, बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर, शहीद मिट्टी के रूप में एक वजान की पत्नी के रूप में इखर उमर, मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। हिंद मीडिया फिल्म को 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। संगठन बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा पाकिस्तान में 27.35 करोड़ के पाकिस्तानी रूप में, अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ के पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। एक घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.58 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ और की कमाई की। अपने शुरुआती स्थानांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस एक आप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 19 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म की अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 64.00 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हस्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ताह में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब दे रही है। अब की दुनिया हिंदुस्तान पर चक्कर लगते हैं जब उसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो से रही है। उसके पिता की समस्या में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ रुपया खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है। वो अपने जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है कि चौधरी जमील को छोड़कर उसने अपनी भी उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी
के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसकी है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारने लेंगे? समीक्षकों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल महमूद का अभिनय केवल समान था और शाहिंगल स्पष्ट था कि सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पत्रकारिता के साथ उभाऊ विश्व कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसमें इतने अनुभूति थे, सफ़ेद बालों वाले आदमी को थोड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और महबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा महबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की खातिर जुट्टन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के मिली बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। हिंदी बक्सी एक भारतीय चरित्र जिसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेलर्स ने चित्रित किया था। लावारिश के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपनी ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिश जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगड़ू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गाने ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर के केडी बैन मिलेरी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मिलकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारे होटल में एक गायक में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस गिरोह के शिष्यों मुद्यांश कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने संयोग से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपनी संयुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपनी ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव से राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिजधर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिधर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की सब है कि इस बल के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और गिधर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। रजा मीर और सबा कैसर के साथ मयंक सदर्क और महबीर उदय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से संघ की कहानी प्रति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है।
और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पाकिस्तानी फिल्म में चौधरी तमीम के रूप में हुमायूं सईद मोहबीस हयात जौरा दीवाना के रूप में चौधरी के रूप में सहेल अहमद जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल जमील की माँ कुर्बा खान आरजू दीवाना के रूप में नहनबाज दीवाना के रूप में असीफ राजा मीर सबा उम्मीद रसारा दीवाना के रूप में जरा की माँ बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर शहीद मुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इकहत उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 2022 को जारी किया गया था। ये फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल अजहा के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। संगठन बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ की पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 1.55 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊँगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.58 करोड़ एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ की कमाई की। अपने शुरुआती हस्तांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने 0.5 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 1.64 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हस्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ताह में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की। अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 करोड़ की कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं कि दुनिया दुसाट पर चक्कर रखते हैं जब उसे पता चलता है कि यहाँ नागर लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की समय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी पिया खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक छोटी जिसने वो अपने चाचा मानती है। वो अपने जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता ही नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे का सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है। चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगी या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके हैं? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगी, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारने लेंगी? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल अहमद का अभिनय केवल समान था और सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाव विस्तर कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे सफ़ेद बालों वाले आदमियों को थोड़ी किसने बनाया, इससे पिता की
भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। कुबा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। हुमायूं के दिलजीत डिसूजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह असफल रहे। रंजन द मुंडा की तरह फैशन के छात्र जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के हैं। मुरली बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। मुरली बक्सी एक भारतीय चरित्र ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेलर्स चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। बंदक सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को अपन घुंघरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जवानी गाने ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर की केडी वैन बुलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मुंडरकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पहले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के समित्व वाली 5 सितारा होटल में एक गायक में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव रामपी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर समित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस विवाह के शिष्यों में कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस साथी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने सिर से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपनी बेटी अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के समित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि इधर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और निर्धार जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। रजा मीर और सबा कौशल के साथ मयंक सदर्प और महबीर हिदायत साहब भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से प्रति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद महबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सहल अहमद जमील के पिता चौधरानी के रूप में सिवा फैसल जमील की मां कुर्बा खान आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां बसे चौधरी हरी के रूप में गौरव गौहर शहीद मुट्टी के रूप में एक वजान की पत्नी के रूप में इकत उमर मोहर के बनी
आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म ने 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। संगठन बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.23 करोड़ के पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 1.55 करोड़ की कमाई की। ये घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है। 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई क्योंकि उसने 2.58 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ पीके और की कमाई की। अपने शुरुआती रूपांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस ने 8 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहली 10 दिनों में फिल्म की अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 6.00 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 40 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ता में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की। अपने तीसरे हफ्ता में अंत में 110 करोड़ की कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं अपनी दुनिया जो साल पूछा कर रखते हैं। जब इसे पता चलता है कि यहाँ नागर लंदन वो नहीं है जहाँ वो से है। उसके पिता की समस्या में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायब पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खरीदता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मानती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसके अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने के लिए लंदन जाएंगी या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल अहमद का अभिनय केवल समान था और वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाव विश्व कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसमें इतने अनुभूति थे सफ़ेद बालों वाले आदमियों को मोरी किसने बनाया इससे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत दिलसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की खातिर जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में
करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में ये प्रकाश मेहरा की भी पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर को मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के हैं। इमली बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। इमली बक्सी एक भारतीय चरित्र के ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स ने चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। गद्दर के सिकंदर लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लहरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगड़ू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जवानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिबू जूनियर की कैडिबल मेलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के लगभग समन्वय है। परिवार बने एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गॉबी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा गाने गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन उसके ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने में मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस गुरुओं के शिष्यों मुद्दों कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशें की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? जीव सिंह अपने संयुक्त से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने संयुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव और से राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिजवर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बार के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और निधार जब राजा को मारने के लिए निशा को ये किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कैसल के साथ मायूंग सदर्प और महबीर उदय साहब भूमिका निभाते हैं। फिल्म की उद्घाटन के अवसर पर 10 जुलाई 2020 22 मिनट के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से संघ की कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद महबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सोहेल अहमद जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल जमील की माँ कुर्बा खान अर्जू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा मीर सबा उम्मीद रसादा तिवाना के रूप में जरा की माँ बसे चौधरी हरी के रूप में गौरव गौहर शहीद गुट्टी के रूप में एक वजान की पत्नी के रूप में इखर उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। हम मीडिया फिल्म ने 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। स्वागत बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.3
करोड़ के पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ के पाकिस्तानी रुपए में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 1.55 करोड़ की कमाई की। एक घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड 19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.15 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया, इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.55 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ रुपये और की कमाई की, अपने शुरुआती दुकानदार में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस में आप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 6.00 करोड़ की कमाई की, यूरोप में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ताह में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 कमाई की है। लगातार कुछ ही जवाब देते हैं अपनी दुनिया जो साल पूछ कर रखते हैं, जब इसे पता चलता है कि यहाँ नागर लंदन वो नहीं है जहाँ वो सासे रही है, उसके पिता की सहरसों में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है, जो कुछ भी किया खरीदते हैं वो खोलता लगता है, और एक जोड़ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है वो अपने जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे, उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएगी या उसे महसूस करवाएंगी कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधार लेंगी? निवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहल मोहम्मद का अभिनय केवल समान था और सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी, बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाऊ मिश्र कहानी, लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी, लगभग कभी जिसमें इतने अनुभूति थे, सफेद बालों वाले आदमियों को होरी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। हुमायूं के दिलजीत दोसांझ ने फिल्म नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की छात्र जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भी पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं, जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के हैं। मुरली बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। मुरली बक्सी एक भारतीय चरित्र जिसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्विस चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। गद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड
ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आम जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला अनुभाग प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पहुंचा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जवानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर की कैडिबियन मेलोडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के अंदर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गॉपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के समित वाली 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर समित वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस वीरों के शिष्यों मुदेंद्र कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया है। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? जीव सिंह अपने सेवक से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपनी बेटी अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के समित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिजवर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिधर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस वक्त के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रंजीत और गिधर जब राजा को मारने के लिए निशा को ये किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कैसर के साथ मयंक सदर्फ और महवीर उदय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उदा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से समकी कहानी प्रति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमीन के रूप में हुमायूं सईद, मोहबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सवेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सिवा फैसल, जमील की माँ कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रखारा तिवाना के रूप में जरा की माँ, बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर, शहीद बुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इकत उमर, मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म को 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग की स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ के पाकिस्तानी रुपये में कमाई की जिसमें दुनिया भर में कुल 1.55 करोड़ की कमाई की। एक घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 9.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई क्योंकि उसने 2.58 करोड़ PKR एकत्र किया।
ईद के दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ के और की कमाई की। अपने शुरुआती स्थानांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की है। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 3.50 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 6.00 की करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती स्थानांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ता में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ता में अंत में 110 कमाई की है। लगात में कुछ ही जवाब देते हैं। अब की दुनिया जो साथ में चक्कर लगते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की सहसमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसके अपने भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कहीं गई गलतियों को सुधारने लगेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं लुके मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल महमूद का अभिनय केवल समान था और शायंकर पुरस्कार था, वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाऊ वृक्ष कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे सफेद बालों वाले आदमियों को होड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। हुमायूं के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की खात जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए अधिक प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 के हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक मुरली बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। मुरली बख्शी एक भारतीय चरित्र के जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म के साउंडट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। किशोर कुमार को पन घुंघरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गाने ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर के केडीवेन मुलेरी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मुंडकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की
ही हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है, जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारे होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है, जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव रामपी सेट्टी से होता है, जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने में मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान पोलियंस गिरोह के शिष्यों मुद्यांश कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशें की जाती है। इस साथी प्यासे के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने संयुक्त से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है, जो उसे अपने संयुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपनी ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम रखने के लिए शहर ले जाते हैं, जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गिद्धर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं, क्योंकि गिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बात के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणजीत और गिद्धर जब राजा को मारने के लिए ईसा को लिए किराए पर लेते हैं। रजा मीर और सबा कैसर के साथ मयंक सदर्प और महबीर हिदाय साहब भूमिका निभाते हैं। फिल्म की युद्ध और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से समकी कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, महबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सहेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल, जमील की मां कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां, बसे चौधरी हरी के रूप में गौरा गौहर, शहीद मुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इकहत उमर, मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। ये फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ की पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। ये घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊँगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.55 करोड़ पीकेआर एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ पीके और की कमाई की। अपने शुरुआती हस्तांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए।
पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म में पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की है। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.50 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 64.00 की करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्तांतर में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्तांतर में अंत में 110 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं, अब की दुनिया जो 60 पर चक्कर रखते हैं, जब उसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है, उसके पिता की समय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है, वो जो कुछ भी प्रिया खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है, वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है कि चौधरी जमील को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने के लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कहीं गई गलतियों को सुधारने लेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल महमूद का अभिनय केवल समान था और छायांकन उत्कृष्ट था, वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी, बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाव विश्व कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी, लगभग कभी जिसमें इतने अनुभूति थे, सफ़ेद बालों वाले आदमियों को घोड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन के साथ जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए अधिक प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे, एक भूमिका को अंततः शशि कपूर के मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 के हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक अमरी बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। अमरी बख्शी एक भारतीय चरित्र के जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स को चित्रित किया था। लावारिश के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिश जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से पिल्लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गाने ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिव्यू जूनियर के केडी बेन मुलेरी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मंडलकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने मदद करते हैं। गुबा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू
ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है, जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है, जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस वीरों के शिष्यों मुद्यांश कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है, जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम रखने के लिए शहर ले जाते हैं, जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिजधर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं, क्योंकि गिधर ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बात के पीछे उसकी मां का हाथ है। रणनीत और गिधर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। रजा मीर और सबा कैसल के साथ मयंक सदर्प और महबीर उदय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से समकी कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, महबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सोहेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल, जमील की मां कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां बसे चौधरी, हरी के रूप में गौहर शहीद मुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इकहत उमर, मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। ये फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा में पाकिस्तान में 27.35 करोड़ की पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। यह घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊँगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.55 करोड़ पीकेआर एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ पीकेआर की कमाई की। अपने शुरुआती हस्तांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म में पाकिस्तान ने 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की है। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.50 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमरीका में 16.00 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में
अपने चार दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्तांतर में अंत में 366 करोड़ की कमाई की। अपने तीसरे हफ्तांतर में अंत में 710 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं अपनी दुनिया जो साठ को चक्कर रखते हैं। जब इसे पता चलता है कि यहाँ नागर लंदन वो नहीं है जहाँ वो हिस्सा, उसके पिता की सदस्यों में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, उसका पूरा गायब पाकिस्तान में रहता है, वो जो कुछ भी पिया खरीदते हैं वो खोलता लगता है, और एक छोटी जिसमें वो अपने चाचा मांगती है, वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसके अपने भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारने पड़ेंगे? समीक्षकों के नहीं लुके मुझे लगता है कि दोबारा सोहेल मोहम्मद का अभिनय केवल समान था और सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी, बिल्कुल दैनिक पत्रकार के साथ उभाव से कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी लगभग कभी इतने अनुभूति थे। सफ़ेद बालों वाले आदमियों को घोड़ी किसने बनाया, इससे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। कंजरन द मुंडा की तरह फैशन के खाते जुट्टन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर को मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के इमली बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। इमली बक्सी एक भारतीय चरित्र है जिसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्विस ने चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से पप्पी लाहिड़ी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर के केडीवन मिलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मंगलगढ़ समनाए है। परिवार बनी एक बनाए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात गहरे से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारे होटल में एक गायक में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उसे उससे प्यार से हो जाता है। इस दौरान पलियंस गिरोह के शिष्यों मुद्रंज कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे?
देव सिंह अपने संयुक्त सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है, जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर बहुत साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव से राजा के समित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं, जहां वो पूनम से मिलते हैं और प्यार करते हैं। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं, क्योंकि इधर ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और युद्धार जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कैसल के साथ मयंक सदर्प और महबीर उदय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की रिलीज और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से संत की कहानी प्रति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, हफीज हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में, सैयद अहमद जमील के पिता चौधरानी के रूप में, सिवा फैसल जमील की माँ कुर्बा खान आरजू तिवाना के रूप में, नहनबाज तिवाना के रूप में, आसिफ राजा मीर सबा उम्मीद रखारा तिवाना के रूप में, जरा की माँ बसे चौधरी हरी के रूप में, गौहर शहीद मुट्टी के रूप में, एका वजान की पत्नी के रूप में, इकत उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन में जाऊँगा। अगले पाकिस्तान में 27.35 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में, अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 1.5 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊँगा जवान फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और विभिन्न महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा और रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.58 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ की कमाई की। अपने शुरुआती हस्तांतरण में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमरीका में 6.00 करोड़ की कमाई की, यूनाइटेड अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ताह में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की। अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 10 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब दे दें, अपनी दुनिया साल पर चक्कर रखते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की संघर्षमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय
खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे का सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है, वास्तविकता के उसे निराश करती है। चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कहीं गई गलतियों को सुधार लेंगे? निवेश फिल्म समीक्षकों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल मोहम्मद का अभिनय केवल समान था और वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाऊ विश्व कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे, सफ़ेद बालों वाले आदमी को थोड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत दुसौजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह मंजरन द मुंडा की तरह फैशन की खातिर जुट्टन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए कुछ प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक मुरली बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। मुरली बख्शी एक भारतीय चरित्र के जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्विस चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। गद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। किशोर कुमार को पन घुंगड़ू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी जान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिवी जूनियर की केडी वन मिलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो सनर के डॉक्टर समन्वय है। परिवार बने एक घुमाए गए एक और गाने के लिए बॉबी गॉबी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारे होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनेत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान रिलायंस विवाह के शिष्यों मुलायंस कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशें की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा लाएंगे? देव सिंह अपने सहयोग से सावित्री के जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए
शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिद्धर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की सपने की इस बात के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और रिधार जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कैसर के साथ मायाउन सदर और महबीर उदय शाह भूमिका निभाते हैं। फिल्म की रिलीज और उदा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से समी गति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, मुबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सवल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सुबा फैसल, जमील की माँ कुरबा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसादा तिवाना के रूप में जरा की माँ, बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर, शहीद मुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इखर, उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल अजहा के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म ने 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। संगठन बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन में ग्राउंड में पाकिस्तान में 27.35 करोड़ पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपये में कमाई की जिसमें दुनिया भर में कुल 1.55 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन में जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 9.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई क्योंकि उसने 2.58 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ की कमाई की। अपने शुरुआती स्थान में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने 0.5 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म में पाकिस्तान ने 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की जिसमें उत्तरी अमेरिका में 6.000 करोड़ की कमाई की। संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में 40 करोड़ की कमाई की। 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ताह में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की। अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 कमाई की कमाई की है। लगात में कुछ ही जवाब देते हैं अपनी दुनिया जो साथ चक्कर रखते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ नागर लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की समय परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायब पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जोड़ों को फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता ही नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है कि चौधरी जमील को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी
के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के पापा से ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारेंगे? निवेश फिल्म समीक्षकों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहल मोहम्मद का अभिनय केवल समान था और सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दैनिक पत्रकारिता के साथ विभाव से कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसमें इतने अनुभूति थे, सफ़ेद बालों वाले आदमियों को घोड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की साथ जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए अधिक प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के मुरली बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। मुरली बक्सी एक भारतीय चरित्र जिसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स ने चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जवानी गाने ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर के केडीवेन मुलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के हिमलरकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने में मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस गिरोह के शिष्यों मुदेंद्र कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशें की जाती है। इस साथी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? धीर सिंह अपने सावित्री के जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता को बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपनी ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम रखने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऋषभ सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिधर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी मां का हाथ है। रंजीत और गिरधर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कैसर के साथ मायूंग सदर्प और महबीर हिदायत साहब भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द
और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2020 वायुस को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से संघ की कहानीपति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमीन के रूप में हुमायूं सईद, मुहब्बीस हयात, जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सोहेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सुबा फैसल, जमील की मां कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां, बसे चौधरी हरी के रूप में गौरा गौहर, शहीद हुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इखरत उमर, मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। ये फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ की पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपए में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। ये घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड 19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया, इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई क्योंकि उसने 2.58 करोड़ पीकेआर एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ पीके और की कमाई की। अपने शुरुआती स्थानांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.50 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमरीका में 6.00 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ताह में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 करोड़ की कमाई की है। लगात में कुछ ही जवाब दे दिया कि दुनिया जो साथ चक्कर रखते हैं, जब इसे पता चलता है कि यहाँ नागर लंदन वो नहीं है जहाँ वो सासे रही है। उसके पिता की सहसों में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है कि चौधरी जमील को छोड़कर उसके अपने भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कहीं गई गलतियों को सुधारने लेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं लुके, मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल अहमद का अभिनय केवल समान था और छायांकन उसका था, वकील सब कुछ समान था और
एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाव वृक्ष कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे। सफेद बालों वाले आदमी को होड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। हुमायूं के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की साथ जुट्टन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक उन्नी बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। उन्नी बक्सी एक भारतीय चरित्र की जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंडट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जवानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर के कैरिबियन मेलोडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर्थ मुंडकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव रामपी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पुनः स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस फिल्मों के शिष्य मुद्दे कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशें की जाती है। इस साथ ही प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने सावित्री के जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपनी बेटे अर्जुन को अपनी ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम रखने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऋषिधर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिधर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बात के पीछे उसकी मां का हाथ है। रणनीत और गिरधर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कौशल के साथ हुमायूं सदर्प और महबीर हिदाय साहब भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से की कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, महबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सोहेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल, जमील की मां कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां, बसे चौधरी हरी के रूप में गौरव
गौहर शहीद ऊटी के रूप में, एका वजान की पत्नी के रूप में, इकहत उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। ये फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल अजहा के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म को 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ के पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों को 14.20 करोड़ के पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। ये घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया, इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.58 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ पीके और की कमाई की। अपने शुरुआती हफ्तांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में तो 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म में पाकिस्तान ने 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.50 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 6.400 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्तांतर में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 कमाई की है। लगात में कुछ ही जवाब देते हैं। अब की दुनिया जो 60 चक्कर रखते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की समय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसने वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसके अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके हैं? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारने लेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं लुके, मुझे लगता है कि कुबारा सुहेल अहमद का अभिनय केवल समान था और संघर्ष था, वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाव विस्तृत कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसमें इतने अनुभूति थे, सफ़ेद बालों वाले आदमियों को होड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसूजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की साथ जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए अधिक प्राकृतिक शैली में
करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर को मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक मुरली बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। मुरली बख्शी एक भारतीय चरित्र जिसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स ने चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपो ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म के साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जवानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर की केडीवन मुलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मुंडकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस गिरोह के शिष्यों मुद्यांश कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस साथी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने संयोग से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गिद्धर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी मां का हाथ है। रणनीत और गिरधर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कौशल के साथ मयंक सदर्प और महबीर उदय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से समकी कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद मुबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सवेल अहमद जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल जमील की माँ कुर्बा खान आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की माँ बसे चौधरी हरी के रूप में गौरव गौहर शहीद रूटी के रूप में एक वजान की पत्नी के रूप में इखर उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म ने 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से सर्वोत्तम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35
करोड़ के पाकिस्तानी रुपए में और निर्मित रोके 14.20 करोड़ के पाकिस्तानी रुपए में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। ये घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 9.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया, इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.58 करोड़ पीकेआर एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ पीके और की कमाई की। अपने शुरुआती हस्तांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में तो 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की है। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमरीका में 6.00 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हस्तांतरण में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ते में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ते में अंत में 110 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं, अपनी दुनिया दूसरा को चक्कर रखते हैं जब उसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो सासे रही है। उसके पिता की समस्या में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है, वो जो कुछ भी पिया खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मानती है, वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे का सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके हैं? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारने लेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं लुके, मुझे लगता है कि कुबारा सोहल मोहम्मद का अभिनय केवल समान था और सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी, बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाव विश्व कहानी। लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी, लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे। सफ़ेद बालों वाले आदमियों को होड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसूजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की खातिर जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भी पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं, जो 1968 के हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक उमरी बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। उमरी बख्शी एक भारतीय चरित्र के जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स को चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे वालू
ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आम जी के सहयोग से पप्पी लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म के साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गाने ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिवी जूनियर के केडीवन मेलोडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मिलकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पहले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्भू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने में मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उसे उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान पोलियंस गेहूं के शिष्यों मुद्यांश कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने सिर्फ सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर जोहर असाधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऋषभ सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और गिद्धर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। रजा मीर और सबा कैसर के साथ मयंक सदर्प और महबीर उदय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से संघ की कहानी प्रति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद मुहब्बीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सवेल अहमद जमील के पिता चौधरानी के रूप में सिवा फैसल जमील की मां कुर्बा खान आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां बसे चौधरी हरी के रूप में गौरा गौहर शहीद रूटी के रूप में एक वजान की पत्नी के रूप में इकहत उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल अजहा के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ की पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपये में कमाई की जिसमें दुनिया भर में कुल 1.55 करोड़ की कमाई की। ये घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी 34 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई क्योंकि उसने 2.55 करोड़ पीकेआर एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन
इसने 2.8 करोड़ के और की कमाई की। अपनी शुरुआती हस्तांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की है। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमरीका में 6.000 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ता में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ता में अंत में 110 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं, अब की दुनिया दो साल चक्कर रखती है जब उसे पता चलता है कि यहाँ गुनाकार लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की समय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिया खरीदते हैं वो बोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मानती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसके अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके हैं? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगी, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कहीं गई गलतियों को सुधारने लगेंगी? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं लुके, मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल अहमद का अभिनय केवल समान था और छायांकन उत्कृष्ट था, वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी, बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाव विश्व कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी, लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे। सफ़ेद बालों वाले आदमियों को थोड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूबा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। हुमायूं के दिलजीत दोसांझ ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की छात्र जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक उमरी बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। उमरी बख्शी एक भारतीय चरित्र के जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्विस चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। गद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म के साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंगरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिविल जूनियर को केडी बन मिलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के लगभग समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए
बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है, जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है, जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है, जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने में मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है, जो उससे प्यार से हो जाता है। इस दौरान ओलियंस गिरोह के शिष्यों मुद्यांस कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने सिर से सावित्री के जान बचाते हुए मर जाता है, जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम रखने के लिए शहर ले जाते हैं, जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिद्धर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं, क्योंकि रिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और रिद्धर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। रजा मीर और सबा कैसर के साथ मयंक सदर्प और महबीर उदय साय भूमिका निभाते हैं। फिल्म की इर्द गिर्द और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से सबकी कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, महबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सहेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल, जमील की मां कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की मां, बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर, शहीद मुट्टी के रूप में एका बजान की पत्नी के रूप में इखत, उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग शुरू की। संगतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ के पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ के पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। यह घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.55 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इससे 2.8 करोड़ की कमाई की। अपने शुरुआती हफ्तांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने 0.5 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की।
23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 64.00 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्तार में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 करोड़ की कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं, अब की दुनिया जो साल पर चक्कर लगते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की सहरसों में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है, वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है, वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधारने लेंगे? परिवेश फिल्म समीक्षकों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल महमूद का अभिनय केवल समान था और सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी, बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाऊ वृत्त कहानी। लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी लगभग कभी, जिसको इतने अनुभूति थे। सफेद बालों वाले आदमियों को होरी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। हुमायूं के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की साथ जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की पसंद थे, एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं, जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक मुरली बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। मुरली बख्शी एक भारतीय चरित्र के जिसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म के साउंडट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार को पन घुंघरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिव्यू जूनियर के केडीवेन मुलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मंडलकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है, जो उसे राजा के स्वामित्व वाली 5 सितारा होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है, जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव रामपी सेट्टी से होता है, जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम
स्मिता पटेल से होती है, जो उसे उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस विजयों के शिष्यों मिलियंस कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशें की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? भीम सिंह अपने सिंदूर से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है, जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपनी ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव उसे राजा के समित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं, जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिद्धर सिंह और उसका बेटे विचित्र राजा को मारना चाहते हैं, क्योंकि गिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और निधान जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कैसर के साथ मयंक सदर्प और महवीर हिदाय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की उद्घाटन अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से समकी कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, मबीस हयात जौरा तिवाना के रूप में चौधरी के रूप में सोहेल अहमद, जमील के पिता चौधरानी के रूप में सबा फैसल, जमील की माँ कुर्बा खान, आरजू तिवाना के रूप में नहनबाज तिवाना के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा तिवाना के रूप में जरा की माँ, बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर, शहीद मुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इखर उमर, मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म में 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ के पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ के पाकिस्तानी रुपये में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। एक घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.55 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ की कमाई की। अपने शुरुआती स्थानांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन द मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म में पाकिस्तान ने 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म की अन्य बाजारी में कुल 15.0 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमरीका में 6.000 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्तांतर में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्तांतर में अंत में 110 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं, अब की दुनिया 360 पर चक्कर लगते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो
हमेशा से रही है। उसके पिता की सहसमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खोलता लगता है, और एक झूठ जिसने वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करते हैं कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे, या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके हैं? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे, और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कहीं गई गलतियों को सुधारने लेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल अहमद का अभिनय केवल समान था और संकल्प उसका था, वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाऊ विश्व कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे, सफ़ेद बालों वाले आदमियों को होली किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत दूसरा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की छात्र जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर को मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं, जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के समय इमली बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। इमली बख्शी एक भारतीय चरित्र के इसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्विस चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से पप्पी लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार को पन घुंघरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर के केडी वैन हुलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मंडरगर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है, जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारा होटल में एक गायक रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है, जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव रामपी सेट्टी से होता है, जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने में मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है, जो उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान पोलियंस गिरोह के शिष्यों मुदेंद्र कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? भीम सिंह अपने सिद्ध सावित्री के जान बचाते हुए मर जाता है, जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनकी ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपनी ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर
साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव और से राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं, जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऋषभ सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिद्धर ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बल के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और गिरधर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। राजा मीर और सबा कौशल के साथ मयंक सदर्प और महबीर उदय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की युद्ध और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से की कहानी प्रति से समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद, महबीस हयात जौरातीवाना के रूप में चौधरी, के रूप में सहेल अहमद जमील के पिता चौधरानी, के रूप में सबा फैसल जमील की माँ कुर्बा खान, अर्जुन दीवाना के रूप में नहनबाज दीवाना, के रूप में आसिफ राजा, मीर सबा उम्मीद रसारा दीवाना के रूप में जरा की माँ, बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर, शहीद मुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इकत उमर, मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को एक दिन था के मौके पर रिलीज हुई थी। हम रिहाई फिल्म ने 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से शुरू की। स्वागतम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊँगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 1.55 करोड़ की कमाई की। घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 1.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.58 करोड़ एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ और की कमाई की। अपने शुरुआती रूपांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक आप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.50 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 1.64 की करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ताह में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ताह में अंत में 110 कमाई की है। लगात में कुछ ही जवाब देते हैं। अब की दुनिया जो 60 चक्कर लगते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो हमेशा से रही है। उसके पिता की सहरसों में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी प्रिय खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक झूठ जिसमें वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जोड़ों के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता उसे निराश करती है कि चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी
भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगी, या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगी, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कहीं गई गलतियों को सुधारने लेंगी? प्रवेश फिल्म समीक्षकों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल मोहम्मद का अभिनय केवल समान था और स्पष्ट था, वकील सब कुछ समान था और एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाऊ दृश्य कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसमें इतने अनुभूति थे, सफ़ेद बालों वाले आदमियों को घोड़ी किसने बनाया, इसे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसूजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की साथ जुटन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए प्राकृतिक शैली में करें। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए, प्रकाश मेहरा की भूमि पसंद थे, एक भूमिका को अंततः शशि कपूर की मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं, जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के हैं। उमरी बख्शी के चरित्र के प्रभावित है। उमरी बख्शी एक भारतीय चरित्र के जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्विस चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। गद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म की साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंघरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जबानी गाने ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डिब्यू जूनियर के केडीवेन मिलेडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के मंडलकर समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी गोपी की ये हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है, जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारे होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने मदद करते हैं। गुब्बा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है, जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव रामपी सेट्टी से होता है, जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है, जो उसे उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस गिरोह के शिष्यों मुदेंस कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने सावित्री के जान बचाते हुए मर जाता है, जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव और से राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम करने के लिए शहर ले जाते हैं, जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं, क्योंकि इधर ने अपने पिता को मार डाला था, क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस वक्त के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और विधान जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं। रजा मीर और सबा कैसर के साथ
मायूंग सदर और महबीर दाय सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म की रिव्यू और उधा के अवसर पर 10 जुलाई 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और समीक्षकों से संघ की कहानी प्रति की समीक्षा प्राप्त हुई थी। ये वर्तमान में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। चौधरी तमिल के रूप में हुमायूं सईद महबीस हयात जौरा दीवाना के रूप में चौधरी के रूप में सहल अहमद जमील के पिता चौधरानी के रूप में सिवा फैसल जमील की मां कुर्बा खान आरजू दीवाना के रूप में नहनबाज दीवाना के रूप में आसिफ राजा मीर सबा उम्मीद रसारा दीवाना के रूप में जरा की मां बसे चौधरी हरी के रूप में गौहर शहीद भुट्टी के रूप में एका वजान की पत्नी के रूप में इकत उमर मोहर के बनी आरजू की दोस्त के रूप में। रिहाई फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून 2022 को जारी किया गया था। यह फिल्म 7 जुलाई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात रिलीज हुई थी और 8 जुलाई 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पाकिस्तान में 10 जुलाई 2022 को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज हुई थी। होम मीडिया फिल्म ने 14 अक्टूबर 2022 में से तमाशा पर डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग शुरू की। सर्वोत्तम बॉक्स ऑफिस 4 अगस्त 2022 तक लंदन नहीं जाऊंगा ने पाकिस्तान में 27.35 करोड़ की पाकिस्तानी रूप में अन्य मित्रों के 14.20 करोड़ की पाकिस्तानी रुपए में कमाई की, जिसमें दुनिया भर में कुल 51.55 करोड़ की कमाई की। यह घरेलू स्तर पर पाकिस्तान में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसके सिग्मा प्लस द्वारा जारी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा जवानी फिल्म नहीं आती है, जो 2018 के बाद दुनिया भर में 44 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है और कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा करने वाली पहली फिल्म है। पाकिस्तान में लंदन नहीं जाऊंगा रविवार ईद के पहले दिन का खुला और 9.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया। इससे ईद की दूसरे दिन लगभग 40% की वृद्धि दिखाई, क्योंकि उसने 2.55 करोड़ PKR एकत्र किया। ईद की दूसरे दिन इसने 2.8 करोड़ की कमाई की। अपने शुरुआती रूपांतर में घरेलू स्तर पर कुल 7.5 करोड़ की कमाई की। डायरेक्टर स्टेज इन मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस मेक अप 7 करोड़ की पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान में 2022 की सर्वोच्च घरेलू बॉक्स ऑफिस ओपनिंग बन गए। पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने पाकिस्तान में 11.46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की कमाई की। 23 जुलाई को लंदन नहीं जाऊंगा 2022 की दूसरी फिल्म बन गई और महामारी के दौर में पाकिस्तान में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। पाकिस्तान में बाहर पहले 10 दिनों में फिल्म के अन्य बाजारी में कुल 15.50 करोड़ की कमाई की, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 64.00 करोड़ की कमाई की, संयुक्त अरब में 17 करोड़ की कमाई की, ऑस्ट्रेलिया में 41 करोड़ की कमाई की, 50 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने ब्रिटेन में अपने 4 दिनों में शुरुआती हफ्तांतर में 120 करोड़ की कमाई की और अपने दूसरे हफ्ता में अंत में फिल्म को 66 करोड़ की कमाई की, अपने तीसरे हफ्ता में अंत में 114 कमाई की है। लगातार में कुछ ही जवाब देते हैं अपनी दुनिया हिंदुस्तान को चक्कर रखते हैं जब इसे पता चलता है कि यहाँ गुनाहगार लंदन वो नहीं है जहाँ वो से रही है। उसके पिता की सहरसों में परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उसका पूरा गायक पाकिस्तान में रहता है। वो जो कुछ भी पिया खरीदते हैं वो खोलता लगता है और एक रसूद जिसमें वो अपने चाचा मांगती है। वो अपनी जो के फिर से खोजने के अपने माता पिता स्थान को देखने के लिए जीवन भर की यात्रा पर निकलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी माँ के परिवार को पता भी नहीं है कि वो मौजूद है। वो अपने पिता के हत्यारे के सामना करते हुए अपने दानव का भी सामना करते हैं, लेकिन अपनी माँ के दुश्मन उसे भी मरवाना चाहते हैं। वास्तविकता के उसे निराश करती है। चौधरी जमीन को छोड़कर उसने अपनी भी उसके वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास लंदन लौट जाती है, लेकिन अनिच्छा से अपने चचेरे भाई चौधरी के साथ उनके दिल के पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या वो उसे अपनी माँ को मातृभूमि के वापस ले जाने लिए लंदन जाएंगे या उसे महसूस करवाएंगे कि वो उसके है? क्या जमील अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, अपने माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करेंगे और अपने परिवार के एकजुट होने से पहले अतीत में कई गई गलतियों को सुधार लेंगे? प्रवेश फिल्म समीक्षकों को नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुबारा सोहेल मोहम्मद का अभिनय केवल समान था और शायद उसका था। वकील सब कुछ समान था और
एक पूर्ण आपदा थी। बिल्कुल दयनीय पटकथा के साथ उभाऊ वृक्ष कहानी लगभग पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसी ही थी। लगभग कभी जिसको इतने अनुभूति थे, सफेद बालों वाले आदमियों को होड़ी किसने बनाया, इससे पिता की भूमिका करने चाहिए और मोहबीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्वा मोहबीस से कहीं अधिक आकर्षक लग रही थी। मायून के दिलजीत डिसोजा ने फिल्म नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह असफल रहे। वो कंजरन द मुंडा की तरह फैशन की छात्र जुट्टन द मुंडा थे। यदि आप पंजाब की संस्कृति दिखाना चाहते थे तो कृपया उसे भारतीय पंजाबी और दक्षिण भारतीय नायकों को मिलाने के लिए अधिक प्राकृतिक शैली में करे। राज बब्बर राजा सिंह की भूमिका में लिए प्रकाश मेहरा की भूमिका पसंद थे। एक भूमिका को अंततः शशि कपूर को मिली। अमिताभ बच्चन नागार्जुन सिंह की भूमिका निभाते हैं जो 1968 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक नंदी बक्सी के चरित्र के प्रभावित है। नंदी बक्सी एक भारतीय चरित्र के जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन पीटर सेल्स ने चित्रित किया था। लावारिस के बाद इस फिल्म में प्रकाश मेहरा के पसंदीदा अभिनेता रंजीत और सत्यम कंपू ने अभिनय किया। मुकद्दर के सिकंदर और लावारिस जैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के सहयोग से कपिल लाहिरी ने पहला बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत दिया। फिल्म के साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ है। किशोर कुमार को पन घुंघरू बंद गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। जवानी गान ए मन हसीन दिलरुबा एक बड़ी हिट बन गई। गाने का परिचय सेमी डेब्यू जूनियर के कैरिबियन मेलोडी के समान है। गाने के मुख्य भाग में डेनो समर के लगभग समन्वय है। परिवार बनी एक फिल्माए गए एक और गाने के लिए बॉबी योपी की हिट हुआ। अपने दादा द्वारा पाले गए अर्जुन हिट एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में उसके मुलाकात भैरव से होती है जो उसे राजा के स्वामित्व वाले 5 सितारे होटल में एक गायक के रूप में नौकरी खोजने में मदद करते हैं। युवा अर्जुन अभिनीत बच्चन को उसके उद्दू ओम प्रकाश द्वारा पाला जाता है जो उसके लिए एक नई नौकरी और जीवन की तलाश में शहर जाने का फैसला करता है। शहर में उसकी मुलाकात भैरव राम पी सेट्टी से होता है जो उसे राजा शशि कपूर स्वामित्व वाले में एक 5 सितारे होटल में नौकरी के रूप में नौकरी खोजने मदद करता है। होटल में अर्जुन की मुलाकात पूनम स्मिता पटेल से होती है जो उसे उससे प्यार हो जाता है। इस दौरान ओलियंस गिरोह के शिष्यों मुलायम कपूर के और उनके बेटे रंजीत द्वारा राजा की मारने की कई कोशिशों की जाती है। इस सभी प्रयासों के अर्जुन ने विफल कर दिया। क्या वो राजा को इन हमलों से बचा पाएंगे? देव सिंह अपने संयुक्त से सावित्री की जान बचाते हुए मर जाता है जो उसे अपने नियुक्ता के बेटे राजा की देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके ससुर दशरथ सिंह सहित सभी लोग को लगता है कि सावित्री ने पैसे के लिए अपनी पोती और नियुक्ता को मार डाला। सावित्री अपने बेटे अर्जुन को अपने ससुर को सौंप देते हैं और राजा की देखभाल करने चली जाती है। अर्जुन अपने दादा पर निर्भर साधारण आदमी के रूप में बड़ा होता है। उसका दोस्त भैरव और से राजा के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल में काम रखने के लिए शहर ले जाते हैं जहां वो पूनम से मिलता है और प्यार करता है। अर्जुन और राधा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिधर सिंह और उसका बेटे उचित राजा को मारना चाहते हैं क्योंकि गिधर ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो उनके लिए एक अदालत उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे। राजा की शक है कि इस बार के पीछे उसकी माँ का हाथ है। रणनीत और गिधर जब राजा को मारने के लिए निशा को लिए किराए पर लेते हैं।